अगर इस तरह से इस टेक्निक के साथ आप अपनी वीडियो का एसईओ करते हैं, अपना टाइटल लगाते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, और उसके बाद आप अपने टैग्स जो हैं वो वेरी गुड या एक्सीलेंट वाले लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जाहिद हूँ और आप ZTech लर्निंग देख रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका कंटेंट कैसा है, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। अब वीडियो बनाने से पहले आप टॉपिक के रिलेटेड ज़रूर सर्च कर लें कि क्या इस टॉपिक के ऊपर व्यूज़ भी आ रहे हैं या नहीं। अगर तो उसके सर्च वॉल्यूम है तो फिर आप उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएं। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आप सर्चेबल कंटेंट अपना बनाएं। सर्चेबल कंटेंट मीन के आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर वीडियोस बनाएं जो लोग सर्च करते हैं। जैसे मैं जाके अपने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो सर्च कर लेता हूँ कि हाउ टू पास एनी फाइवर स्किल टेस्ट, तो ये एक सर्चेबल कीवर्ड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो सर्चेबल कंटेंट के ऊपर बनाएं। और इसके लिए आपने वीडियोस तो बना ली, आपके वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपके वीडियो का जो कंटेंट है वो भी अच्छा होगा। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपके बेस्ट टैग, मतलब कि आपके वीडियो के ऊपर जो टैग्स आपने लगाने हैं उनके स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए। 60+ स्कोर का जो है टैग्स आपने अपनी वीडियो के ऊपर लगाना है। तो ये टैग्स आपने निकालने कैसे हैं, बनाने कैसे हैं, पहले मैं एक टैग बनाऊंगा और उस टैग का जो स्कोर है वो हम चेक करेंगे। अच्छे स्कोर वाला टैग जो है वो हम एक बना लेंगे और उसके बाद हम उसे रैपिड टैग, एक यूट्यूब टैग्स जनरेटर के एक वेबसाइट समझ लें कि वेबसाइट है, उस पर आप जाके वहाँ पे अपने टैग्स जो हैं जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो के लिए रैंक टैग कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो ट्यूब बॉडी की एक्सटेंशन है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वाली ट्यूब बॉडी की एक्सटेंशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो मेरा मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ और आपको मज़ा आएगा। आप वाकई कहेंगे कि भाई इस तरह से अगर आप वीडियो का एसईओ करते हैं, अपने टैग्स डिस्क्रिप्शन लगाते हैं और टाइटल लगाते हैं तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ लाजमी आएंगे। आपकी अगर सर्चेबल आपने कंटेंट बनाया तो आपकी वीडियो के ऊपर हर सूरत जो व्यूज़ आएंगे कोई भी उसे नहीं रोक सकता। अगर आप सर्चेबल कंटेंट बना रहे हैं तो उसके लिए जो वीडियो का एसईओ है वो लाजमी है। आप उसे उसका एसईओ अच्छा करेंगे तो उसके लिए हम अपने कीवर्ड का, अपने टैग्स का स्कोर देखते हैं, अपने टाइटल का स्कोर देखेंगे, क्योंकि टाइटल भी एक कीवर्ड ही होता है और टैग में भी वो यूज़ करेंगे। तो आपने ट्यूब बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह पे आपने क्लिक करना है, कीवर्ड एक्सप्लोरर एसईओ स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपको मिलेगा ट्यूब बॉडी का। तो इस जगह पे आप जो है ना इसे फाइंड करेंगे अपना जो भी टैग आप लगाना चाह रहे हैं या जो भी आप कीवर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू मेक फाइवर अकाउंट, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। इसका हम ओवरऑल स्कोर देख लेते हैं, इसका क्या स्कोर है। ये जो है ये वाला कीवर्ड जो है, ये वाला जो टैग है इसके ऊपर, ये सर्च वॉल्यूम जो है ये इसका बहुत पुअर है। ये आप इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप कोई और इसके रिलेटेड जो मिलता जुलता है वो वाला कीवर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये देख लें, ये एक्सीलेंट है, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो भी एक्सीलेंट और ये कंपटीशन में भी अच्छा है, गुड है, ठीक है। और जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ है ये बहुत एक्सीलेंट है और इसके ऊपर जो सर्च रिजल्ट्स हैं इसके ऊपर 2.61 मिलियन इसके सर्च रिजल्ट हैं। अगर आप इस कीवर्ड को अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इसका टैग बनाते हैं तो आपकी वीडियो का जो एसईओ स्कोर है वो बहुत ही एक्सीलेंट हो जाएगा। और आप एक एक टैग को यहाँ पे आके एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, उसका ओवरऑल स्कोर देखेंगे। आप कभी भी कम सर्च वाले टैग्स नहीं लगाएंगे अपने टैग सेक्शन के अंदर, आप जब भी लगाएंगे आप एक्सीलेंट या गुड, ये वाला जो गुड है ये लगाएंगे, ठीक है। या तो आपकी ये वाली जो सुई है इस जगह पे होनी चाहिए या ये ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन हो अगर आपके तमाम के तमाम टैग जो आपने डिस्क्रिप्शन में लगाए हैं, जो आपने टैग सेक्शन में लगाए हैं वो ग्रीन है और आपका जो टाइटल है वो भी ग्रीन है और एक्सीलेंट है, ये 90 है, 90 100 बाय 100 है, तो यकीन करें आपकी वीडियो लाजमन जो है वायरल होगी, आपकी वीडियो पर व्यूज़ ही व्यूज़ आएंगे। चलें, ये तो होगी बातें। और इसके बाद आपने फिर अगला जो स्टेप है वो ये करना है कि आप इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे
और एक नए टैब के अंदर आप सर्च करेंगे रैपर टैग, पहला लिंक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और जो टैग आपने ट्यूब बॉडी से कॉपी किया है वो आप यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर देंगे और इसे सर्च कर देंगे। ये जो रैपर टैग की वेबसाइट है ये इस कीवर्ड के रिलेटेड जो है जितने भी कीवर्ड सर्च होते हैं मतलब के अच्छे स्कोर वाले वो आपको ये यहाँ पे ला के दे देगी। जब आपको रैपर टैग की वेबसाइट ये वाले टैग्स जनरेट करके दे देगी तो आपने एक एक टैग को अपने ट्यूब बॉडी के सेक्शन में ट्यूब बॉडी में जाके इसे एक्सप्लोर करना है, उसके जो है स्कोर चेक करने हैं, उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है, उसका कंपटीशन चेक करना है और जिनके स्कोर अच्छे हैं जिसका कंपटीशन अच्छा है वो वाले आप कीवर्ड अपने टैग सेक्शन में लगा देंगे। ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर, अब इसे हम ट्यूब बॉडी में सर्च देख लेते हैं। हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर, ये भी फेयर है और इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। ये वाला जो टैग है ये भी आप नहीं लगाएंगे, आप इसे भी खली वली कर देंगे। हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट, अब ये आप सर्च कर लेंगे। ये देखें ये भी 29/100 है, ये भी ठीक नहीं है और इसे भी आप फारग कर देंगे, ये वाला टैग भी आप नहीं लगाएंगे। और उसके बाद है हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर इन हिंदी, ये देखें ये वेरी गुड है, ये बहुत अच्छा है और आप इसको मतलब कि अपने टैग सेक्शन में जाके लगा देंगे। इसी तरह से आपने एक एक जो टैग है अपना जो आपने टैग सेक्शन में लगाना है उसका जो ओवरऑल स्कोर है वो बेहतरीन होना चाहिए। अगर इस तरह से इस टेक्निक के साथ आप अपनी वीडियो को एसईओ करते हैं, अपना टाइटल लगाते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं और उसके बाद आप अपने टैग्स जो हैं वो वेरी गुड या एक्सीलेंट वाले लगाते हैं तो यकीन माने कि आप एक कामयाब यूट्यूबर हैं। तो आप मेरी बात पे लाजमी गौर कीजिएगा, आप इतनी मेहनत कर लेते हैं, जब आप डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जब आप टैग्स डालते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान नहीं देते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपकी मेहनत का। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, आप बहुत रुलेंगे फिर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो क्यों ना फिर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लें। आप अपने जब एसईओ करें अपनी वीडियो का तो अच्छे तरीके से कर लें, आधा घंटे की बजाय आप घंटा लगा लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।